जब मेरे देश में इस प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त किए व्यक्ति जोश से भरे हुए हो तो मेरा देश कभी पीछे नहीं हट सकता। आपने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया, मैं सीआईआर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे याद है पैंडेमिक के समय आप और हम चर्चा कर रहे थे, आप में से भी बहुत लोगों को याद होगा, और चर्चा के केंद्र में विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक, उसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहती थी। और तब मैंने आपसे कहा था कि भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा, और आज भारत किस ऊंचाई पर है, आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। मैं जिस बिरादरी से आता हूं उस बिरादरी की एक पहचान बन गई है कि चुनाव के पहले जो बातें करते हैं चुनाव के बाद भुला देते हैं, लेकिन मैं उस बिरादरी में अपवाद हूं। और इसलिए मैं आपको याद कराता हूं कि मैंने कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगा। भारत बहुत सधे हुए कदमों से लगातार आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब 2014 में आप सब ने हमें देश की सेवा करना का अवसर दिया, 14 में जब हमारी सरकार बनी, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि इकोनॉमी को वापस पटरी पर कैसे लाएं। 2014 के पहले की फ्रेजाइल 5 वाली स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों के बारे में यहां हर किसी को पता है। हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति थी, इसकी बारीकियां सरकार ने व्हाइट पेपर जारी करके देश के सामने रखी है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जैसे लोग, आप जैसे संगठन उस पर जरूर अध्ययन करें,
आपके यहां डिबेट करें कि हम कहां खड़े थे और कैसी बीमारियों के शिकार हो गए थे। भारत और भारत के इंडस्ट्री को उस महासंकट से निकालकर हम इस ऊंचाई पर लाए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बजट आया है और मैं देख रहा था, एक अच्छा डॉक्यूमेंट आपका बना है, मैं अभी अभी देख रहा था, मैं जरूर अध्ययन करूंगा उसका। और जब बजट अभी अभी आया है, आप भी बजट की चर्चाओं में अभी भी व्यस्त हैं, तब बजट से जुड़े ही कुछ फैक्ट्स मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। फ्रेंड, 2013-14 में जब पिछली सरकार का आखिरी बजट आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार का लास्ट बजट, वो 16 लाख करोड़ रुपए का था, 16 लाख करोड़। आज हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, और उसका आंकड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2004 जब अटल जी की सरकार गई, 2004 में यूपीए सरकार की शुरुआत हुई, और यूपीए सरकार के पहले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ रुपए था, 90,000 करोड़ रुपीज। 10 साल सरकार चलाने के बाद, यानी 2014 में यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई थी, यानी 90,000 से 2 लाख करोड़। और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी 2004 टू 2014 के 10th ईयर में कैपेक्स किसी तरह दुगुने पर पहुंचा था, जबकि हमारी सरकार में कैपेक्स 5 गुना ज्यादा से बढ़ा है। और आप अलग अलग सेक्टर्स को देखेंगे तो भी आपको सटीक अंदाजा मिलेगा कि आज भारत किस तरह हर सेक्टर की इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है, हाईवेज का बजट 8 गुना बढ़ाया है, एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है, और डिफेंस का बजट 2 गुने से अधिक बढ़ाया है। और साथियों, हर सेक्टर में बजट में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी और साथ साथ टैक्स में रिकॉर्ड कटौती करने के बाद की गई है। 2014 में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली एमएसएमई को प्रिजम्प्टिव टैक्स देना होता था, 1 करोड़। अब
3 करोड़ रुपए तक की आय वाली एमएसएमई भी इसका लाभ उठा सकती है। 2014 में 50 करोड़ तक कमाने वाली एमएसएमई को 30% टैक्स देना होता था, आज ये रेट 22% है। 2014 में कंपनियां 30% कॉरपोरेट टैक्स देती थी, आज 400 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के लिए रेट 25% है। और फ्रेंड्स, बात सिर्फ बजट एलोकेशन बढ़ाने या टैक्स कम करने की नहीं है, बात गुड गवर्नेंस की भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है जिसका वजन कम हो लेकिन उसके शरीर में किसी बीमारी के कारण सूजन आए और पहले की तुलना में जरा कपड़े छोटे होने लग जाए, लेकिन क्या उसको हम हेल्दी कहेंगे? क्या वो तंदुरुस्त है ऐसा मानेंगे? क्या वो देखने में भले ही बहुत स्वस्थ लगे लेकिन हकीकत में तो वो कमजोर होता ही है। 2014 से पहले के बजट का भी ऐसा ही हाल था। तब बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं इसलिए की जाती थी कि दिखाया जा सके कि अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बजट में जो घोषणाएं होती थी वो भी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाती थी। ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय की गई राशि को भी पूरी तरह खर्च नहीं कर पाते थे। जब घोषित करते थे तो हेडलाइन लेते थे, शेयर मार्केट में भी शायद थोड़ी दिखाई देता होगा। योजनाओं को तय समय पर पूरा करने पर भी पहले की सरकारों का कोई जोर नहीं था। हमने 10 वर्षों में इस स्थिति को बदला है। हमारी सरकार जिस स्पीड और स्केल इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, आप सब उसके गवाह हैं, यह अभूतपूर्व है। साथियों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरी हुई है, और ऐसी दुनिया में भारत जैसी ग्रोथ और स्टेबिलिटी होना एक्सेप्शन है। ऐसी अनिश्चितता के समय में भी भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आज जब सारे देश लो ग्रोथ या हाई इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। इतनी बड़ी महामारी के बावजूद भारत का फिस्कल प्रूडेंस पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। ग्लोबल गुड एंड सर्विस एक्सपोर्ट में भारत का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल ग्रोथ में आज भारत का शेयर 16% हो गया है, और आप ध्यान दीजिए, भारत ने ये ग्रोथ तब हासिल करके दिखाई है जब पिछले 10 साल में
इकोनॉमी को झटका देने वाले अनेक संकट आए। हमारे कार्यकाल में ये भी एक मुसीबत रही, 100 साल की सबसे बड़ी पेंडेमिक, दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध की स्थिति, भारत में बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, कभी साइक्लोन, कभी सूखा, कभी भूकंप। हमने हर संकट का मुकाबला किया, हर चुनौती का समाधान किया। अगर ये संकट न आते तो भारत जहां आज पहुंचा है उससे भी कहीं अधिक ऊंचाई पर होता, और ये मेरा विश्वास मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहा है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हम देश के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रहे हैं, हम देश के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। साथियों, इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारा बहुत अधिक फोकस स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर हमने केंद्रित किया है। आज देश के युवाओं में एक मिजाज बना है कि अपने दम पर कुछ करके दिखाना है। इसमें मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया अभियान हो, स्टैंडअप इंडिया हो, युवाओं की बहुत मदद कर रही है। मुद्रा योजना से लगभग मदद लेकर के 8 करोड़ से ज्यादा साथियों ने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है। देश में आज करीब 1,40,000 स्टार्टअप्स हैं और इनमें लाखों युवा काम कर रहे हैं, नए नए साहस कर रहे हैं। इस बजट में भी जिस 2,00,000 करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा हुई है, चारों तरफ उसकी वाहवाही हो रही है, खूब प्रशंसा हो रही है। इसका सीधा लाभ 4 करोड़ से अधिक युवाओं को मिलने का। ये पीएम पैकेज होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव है, ये टुकड़ों में नहीं है, ये इंटरलिंक है, एंड टू एंड एक सॉल्यूशन है। इसका विजन स्पष्ट है, भारत की मैन पावर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, भारत का प्रोडक्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, और सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि वैल्यू की दृष्टि से भी वो कॉम्पिटिटिव हो। हमारे युवाओं की स्किल बढ़े, उनका एक्सपोजर बढ़े, उन्हें आसानी से रोजगार मिले, इसके लिए हम इंटर्नशिप स्कीम लेकर आए हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले आप जैसे जो लोग हैं उनको लार्ज स्केल पर इंसेंटिव मिले, इसका भी हमने ध्यान रखा है। इसलिए ही सरकार ने ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में इंसेंटिव की घोषणा की है। साथियों, हमारी सरकार का इंटेंट और कमिटमेंट एकदम साफ है, हमारे डायरेक्शन में कोई डायवर्जन नहीं है। चाहे नेशन फर्स्ट, ये हमारा कमिटमेंट हो, चाहे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प हो,
चाहे सैचुरेशन अप्रोच को हम अचीव करने का इरादा लेके चले हो, चाहे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत का हमारा दृढ़ संकल्प हो, चाहे विकसित भारत के विराट संकल्प के लिए हमारी लंबी दौड़ हो, हम इसके लिए पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं। हम योजनाओं को निरंतर विस्तार देते हैं, उनकी प्रोग्रेस की समीक्षा करते हैं। आप सरकार की अप्रोच, विकास के प्रति हमारे कमिटमेंट को भली भांति जानते हैं। हम हर बार नए माइलस्टोन्स गढ़ रहे हैं, इसलिए इंडस्ट्री से भी मेरी यही अपेक्षा है कि वो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए सरकार के साथ स्पर्धा करे, सरकार को भी पीछे रख देकर जीत हासिल करे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। पीएम पैकेज की घोषणाएं, ये हम दोनों, चाहे सरकार हो या इंडस्ट्री, ये हमारा साझा दायित्व के रूप में हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। साथ ही इस बार के बजट का एक और पहलू है जो विकसित भारत की हमारी जर्नी को ताकत देगा, ये विषय है मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी ने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमने मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया, हमने अनेक सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को सरल किया, हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए, 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की। ऐसे निर्णयों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। सरकार मौजूदा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी आधुनिकीकरण करेगी। हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमईज पर भी है, इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। एमएसएमईज को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन हो, इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया है। इस बजट में भी एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। साथियों, जब बजट आता है तो उसके बाद अक्सर चर्चा कुछ प्रमुख बातों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है और ज्यादातर तत्कालीन चर्चा मीडिया ड्रिवन होती है और वो भी एजेंडा के तहत ड्रिवन होती है। जब शांत वातावरण होता है तब जाकर के स्थितियां की तरफ नजर गहराई से जाती है। कई बार संबंधित इंडस्ट्री या फिर एक्सपोर्ट्स वे भी
थोड़ा बहुत उनका ध्यान जाता है, उसकी बात करते भी है, लेकिन बजट की ऐसी बातें मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में बार बार दोहराना जरूरी है, माइक्रो लेवल पर भी उसका एनालिसिस जरूरी है। अब जैसे बजट में न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए एलोकेशन बढ़ाया गया है, हम कृषि में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, हम किसानों को जमीनों के नंबर देने के लिए भू आधार कार्ड भी देने जा रहे हैं, स्पेस इकोनॉमी के लिए भी 1,000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल की व्यवस्था की गई है। बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की भी घोषणा की गई है। हम जल्द ही माइनिंग के ऑफशोर ब्लॉक्स के पहले चरण की नीलामी शुरू करने वाले हैं। ये सारे ऐलान प्रगति के नए रास्ते खोलेंगे, नए अवसर बनाएंगे। फ्रेंड्स, आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है तो नए सेक्टर्स में भी संभावनाएं बन रही है, विशेष रूप से हमारे सनराइज सेक्टर्स में। आप जानते हैं टेक्नोलॉजी ही वर्तमान है, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। आज जो भी देश सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाएगा वो भविष्य में बड़ी भूमिका में रहेगा, और इसलिए हम भारत में इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी एनकरेज कर रहे हैं। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन का दौर है। एक जमाने में जो भारत मोबाइल फोन्स को इंपोर्टर था वो आज दुनिया के टॉप मोबाइल मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर में स्थान ले चुका है। भारत में हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप तैयार किया है। हम ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऐसे अनेक सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना ये इतनी बड़ी योजना है, इतने वेंडर्स की जरूरत है, और सरकार एक एक घर को 75,000 रुपया देने वाली है। ये अपने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है। इस बजट में क्लीन एनर्जी के लिए उठाए गए कदमों की खूब चर्चा हो गई है। आज के दौर में एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ट्रांजिशन दोनों ही इकोनॉमी और इकोलॉजी के लिए इतने ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही हम स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ एनर्जी एक्सेस के रूप में इंडस्ट्री को लाभ होगा बल्कि इस सेक्टर से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन को भी बिजनेस की नई संभावनाएं मिलेंगी। हमारी इंडस्ट्रीज और एंटरप्रेन्योर्स ने हमेशा देश के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन भी सनराइज सेक्टर्स का जिक्र किया है उन सभी में आप भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाने वाले हैं। और ये मेरे लिए ग्लोबल प्लेयर शब्द भर नहीं है जी, मैं साफ मानता हूं मेरा देश ग्लोबल प्लेयर बनेगा। साथियों, हमारी सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और इससे तो आप भी परिचित हैं। हमारे लिए देश और देशवासियों की आकांक्षाएं,
उनके एस्पिरेशंस, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं इंडस्ट्री को, भारत के प्राइवेट सेक्टर को भी विकसित भारत बनाने का एक सशक्त माध्यम मानता हूं। मैं आप जैसे साथियों को, वेल्थ क्रिएटर्स को भारत की ग्रोथ स्टोरी का प्रमुख ड्राइविंग फोर्स मानता हूं। और मैं लाल किले से भी गर्व के साथ इसका जिक्र करने में संकोच नहीं करता। साथियों, पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है, आप सब पर है। आज भारत की नीति, भारत की निष्ठा, भारत का निश्चय, भारत के निर्णय और भारत में हो रहा निवेश पूरे विश्व की प्रगति का आधार बन रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहां आने के लिए लालायित है। वर्ल्ड लीडर्स भारत को लेकर पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। ये भारत की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन मौका है, गोल्डन चांस है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। मैंने नीति आयोग की बैठक में भी, अभी जब मुख्यमंत्रियों से मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे कहा है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली चार्टर तैयार करे हर राज्य, राज्यों के बीच एक हेल्दी कंपटीशन हो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश का एक भी राज्य पीछे रह जाए। निवेश के लिए नीतियों में और स्पष्टता लाएं, बेहतर माहौल बनाएं, गुड गवर्नेंस का एहसास हर कदम पर होना चाहिए, ताकि निवेशक देश के हर राज्य में जा सके। साथियों, मैं गत 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर और विश्व की स्थितियों को बारीकी से जानने के बाद, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे, हम लूट चुके थे, दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था, आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की थी। 100 साल के भीतर भीतर सारे अवरोधों को पार करते हुए, संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे। हम रहे न रहे, हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए, ये सपने लेकर चल रहे। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़े, अपने भारत को विकसित बनाएं और इस संकल्प से सिद्धि पर ले जाने के लिए जीवन का अपने पास ईश्वर ने जो भी दिया है, उसका उत्तम से उत्तम हम समाज को, देश को फिर से अर्पित करें। इसी एक भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।